सो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 2018 मॉडल के बारे में, जिसमें अच्छी से चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है, उस दोनों के बाद दोनों में डिफरेंस करेंगे, और अच्छी चीज़ के में इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और क्या क्या इसमें अभी भी मौजूद है और भी आना चाहिए, इस सारी बात सारी चीज़ के लेके हम लोग आज में इसमें डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, तो लेट बी स्टार्ट। सो आज हम लोग पहले बात तो मैंने बोल दिया रॉयल एनफील्ड क्लासिक का 2018 मॉडल का पूरा हॉल डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो पहली चीज़ है इसका गुड थिंग्स और बैड थिंग्स के मैंने डिवाइड करके रखा है, और गुड थिंग्स क्या है मैं पहले बोल देता हूँ। गुड थिंग्स जो जो है आपको शायद सबको पता है गुड थिंग्स क्या क्या है, और बैड क्या क्या है सबको पता है, और 2018 मॉडल में क्या क्या रिड्यूस हुआ है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो पहली बात गुड थिंग्स में आती है इसका जो लुक है, रॉयल एनफील्ड का लुक है समथिंग डिफरेंट, जो कि और बाइक से इसको अलग करती है। जैसे कि टूरर बाइक में नहीं पड़ता है, स्पोर्ट बाइक में नहीं पड़ता है, इसका एक क्लास है, अलग अलग क्लास है इसका, जो क्लास इसको सबसे हटके अलग करती है। ठीक है, जो एक अलग रॉयलिटी फील देता है। ठीक है, तो दूसरी ए पॉइंट नंबर वन गया, और दूसरी पॉइंट है इसका रॉयल सीट इसका देखा गया, और दूसरों और जो बाइक बाजार में मार्केट में अवेलेबल है इसका सीट और उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंस टाइप का है इसका सीट। आपका पिलियन सीट के बारे में बोल दीजिए, और सामने वाली जो सीट है इसके बारे में बोल दीजिए, फुल्ली डिफरेंट सीट इसका हम लोग देखते हैं। और तीन और थ्री पॉइंट में आते हैं इसका जो 2018 में जो गन मेटल मिलियन था उसमें रियर डिस्क अवेलेबल हुआ है। रियर डिस्क मतलब क्या होता है, रॉयल एनफील्ड का रियर डिस्क में जो फ्रंट वाला डिस्क रहता है उसमें बड़ा वाला डिस्क रहता है, जो इसका डायमीटर है लगभग 256 या उसके ज़्यादा होगा एग्जैक्टली। और रियर में भी एक डिस्क आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका जो ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस होगा ज़्यादा होगा। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं बाइक बहुत ही भारी है, ठीक है, 183 kg का वेट है इसका, तो जिसके कारण ये वेट के कारण बाइक रुकने में ज़्यादा दिक्कत होता था पहली बार रियर ब्रेक का, और रियर ब्रेक ज़्यादा एडजस्टमेंट कराना पड़ता था दो तीन दिन बाद ही। तो ये प्रॉब्लम रियर ब्रेक डिस्प्ले करने से बार ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तीसरी पॉइंट होने के बाद और क्या देखते हैं इसमें, पहले तो इसमें गन मेटल था, चौथी बात इसमें आ गया गन मेटल के अलावा आप इसमें वाइट रेड और जो ग्रीन कलर आते हैं और सारी जो 14 जो कलर कॉम्बिनेशन आता है रॉयल एनफील्ड में, इस सारी में आप अभी 2018 मॉडल में डिस्क अवेलेबल पाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जो कि रियर डिस्क में लाने के गन मेटल में अगर रियर डिस्क ब्रेक था तो उसको ही लेना पड़ता था क्योंकि ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस आने के लिए। बट अभी क्या हुआ है, जो सारी मॉडल में आ गया है आप जिस जो कोई भी मॉडल है चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके और एक है जो मैंने पहले बोला था रॉयल क्लास है, क्योंकि इसका और दो बाइक में नहीं आता है, ठीक है, स्पोर्ट बाइक में नहीं आता है, और जैसे कि डोमिना इसमें नहीं आता है। आप अगर मार्केट में जाओगे इसमें, ठीक है, तो आपको और दो और जो जो भी बाइक है आपको उससे डिफरेंस क्रिएट कर ही देगा ये, ठीक है। और उसके बाद है मेन जो थिंग्स है इसका साउंड, रॉयल एनफील्ड जो ख़रीदता है मेनली उसको साउंड के लिए ही ख़रीदता है, क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी ऑसम है, क्योंकि ये साउंड के लिए रियली जाना जाता है। साउंड के लिए रॉयल एनफील्ड का मेन थिंग्स है, मेन पार्ट है साउंड इसका। तो ये तो हो गया, और ये जो इसका जो माइलेज है 37 किमी किलोमीटर पर लीटर अप्रोक्सीमेटली। सो सिटी या कहीं गांव में चला रहे हो किसी भी आप उसको वेरी करेगा, लेकिन आप जो अगर हाई रोड में जीटी रोड में चलाओगे तो इसका माइलेज लगभग 40 के आसपास आ जाएगा। कंपनी क्लेम करता है 45 km/h। सो गुड थिंग्स आर इक्वल टू VS4 इंजिन,
एनफील्ड में आ चुका है VS4 इंजन, जैसे कि एनफील्ड में VS4 में जो वाइब्रेशन कंट्रोल है बाइक का, सो वाइब्रेशन अंडर कंट्रोल थोड़ी बहुत हो चुका है, लेकिन अभी भी रॉयल एनफील्ड को इसमें काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो थंडरबर्ड में आता है 350 में रियल डिस्प्ले जो चेसिस आता है, वही चेसिस अब आ चुका है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में। और तो ऐसा रहा सारी गुड थिंग्स ऑफ रॉयल एनफील्ड। अब इसको और एक बात है गुड थिंग्स में, जो आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज इसमें आप करा सकते हैं आपकी मनपसंद। आपको कस्टमाइज में कोई दिक्कत नहीं होगा, कस्टमाइज करके आप जैसे चाहिए बाइक ले सकते हैं, क्योंकि इसका इंजन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। और इसका टॉप स्पीड लगभग होगा 120 के आसपास उसका टॉप स्पीड हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसका गुड थिंग्स हो गया, अभी इसमें जो बैड थिंग्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल नॉलेज गुरु जी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऑलरेडी रिव्यूज बनाता हूँ, ठीक है। और मैं रिव्यू बना के आपको मेरा ओपन रिव्यू, ओपन जो मेरा मत है, मैं आपको सामने उसको रखता हूँ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लगभग सारी प्रोडक्ट में जो भी यूज़ करता हूँ उसका सब रिव्यू बना के मैं हम लोग को देता हूँ ऑल डिटेल्स। सो उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या इसका बैड थिंग्स रॉयल एनफील्ड का। तो रॉयल एनफील्ड का बैड थिंग है इसका कंफर्ट, मतलब हाँ मतलब कंफर्ट तो है बाइक में, कंफर्ट है, लेकिन कंफर्ट में क्या क्या दिक्कत है, जो सामने में रियर एब्जॉर्बर दिया है, ठीक है, वो तो बहुत स्टिफ दिया है, जो कि आप कोई छोटा मोटा गड्ढे में जाओगे तो काम अच्छी तरह से कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। अगर आप जैसे कि जो सामने वाला सीट है, ठीक है, सामने वाला सीट में जो बैक सपोर्ट होता है वो आपको देखना नहीं, मना मतलब देख ही नहीं पाएगा आप, ठीक है। और जो पिलियन सीट है, पिलियन सीट में आप लोग, आप अगर किसी को बैठा के अगर 30, 30 से 40 की में अगर चला गए तो उसके बाद आपको पिलियन सीट में जो बैठेगा उसका बम में बहुत ही परेशान नहीं होगा। इस सब में बात आ रहा हूँ, ओपन रिव्यू दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये नहीं भी हो सकता है, अगर आप लोग चलाए हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बोलिए ये आज अगर सही बात बोला ना मैंने झूठ बोला, ठीक है। तो इसका दूसरी जो मेन पॉइंट है मेरे को लगा, इसका प्राइस बहुत ही हाई है। आठ में भी बैंकुड़ा में पड़ता है, कोलकाता में पड़ता है इसका 1.66 लाख, सो 1,66,000। सो इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, इसके थ्रू आप लोग इसमें ABS भी नहीं मिलता है। लेकिन जो गवर्नमेंट रूल आया है 1 अप्रैल 2019 में सारी 125 cc के ऊपर बाइक में सारी के सारी में ABS अवेलेबल हो जाएगा, ABS मिलेगा ही मिलेगा सारी बाइक में। सो आई होप इसका जो रेट है और 10,000 और भी इंक्रीज हो सकती है ABS आने के बाद। सो आप लोग देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड के हर एक मॉडल में, थंडरबर्ड बोलिए और जो हिमालयन है, सारी में आपको ABS मिसिंग देखेगा। लेकिन जो एक्सपोर्ट करता है UK में रॉयल एनफील्ड, उसमें आपको ABS लगा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो यही एक खामी है रॉयल एनफील्ड के लिए इंडिया मार्केट के। तो और दूसरी जो है इसमें नो ट्यूबलेस टायर इज़ नॉट अवेलेबल। ट्यूबलेस टायर क्या होता है, ट्यूबलेस टायर अभी का सिचुएशन में ट्यूबलेस टायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समस्त बाइक के लिए, क्योंकि अगर आप कहाँ बाइक ही कहाँ पर ले जा रहे हैं बाइक, अगर पंचर हो जाए बाइक को तो आपको जैसे कि आपको मैंने बोला पहले, इसका बाइक का वेट है 187 kg, तो ये बाइक आपको ठेलने के लिए नहीं है, आपको ठेल नहीं पाओगे। तो बाइक अगर पंचर हो गया इसको आप टॉच करके ले जाना पड़ेगा। सो ये तो एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड है रॉयल एनफील्ड के लेके। और जो है अब अगर 80 की ऊपर स्पीड में जाओगे तो आपको वाइब्रेशन जरूर पता चलेगा, वाइब्रेशन ऐसा आएगा जो आपका जो साइड मिरर है, साइड मिरर आप देख नहीं पाओगे, साइड मिरर के पीछे क्या है आप कभी भी नहीं देख पाओगे 80 की आप जाओगे। अब अगर आप इसको चला के सोच रहे हो, अब आपको लेके सोच रहे हो ये तो 350 cc का इंजन है बहुत ही अच्छा दौड़ेगा, लेकिन आप समझ लो ये आपको नहीं होगा, क्योंकि 350 मैं मानता हूँ 350 cc का इंजन है, लेकिन इसमें एक खामी भी है, 350 cc के इंजन होने के बाद भी इसका वेट बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप सारी बाइक को देख ले, पूरे मेटल भरी पड़ी है सारी में। सो ये डिसअपॉइंट है मेरे लिए भी, और
जो है कि और एक डिसअसेंबल है जो हैलोजन बल्ब देता है सामने, इसमें अब अभी ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प आना चाहिए था क्योंकि बाइक का रेट, बाइक का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। इसमें डोमिनर के देख लीजिए, एबीएस है, फैसिलिटी है, एलईडी फैसिलिटी है, रियर एलईडी फैसिलिटी है, डुअल एबीएस चैनल एबीएस फैसिलिटी है, बहुत ही अच्छा डिजिटल क्लस्टर इंपोर्टेंट सिस्टम लगा हुआ है सामने। और जो मेरे को एक अच्छी नहीं लगा वो है इसमें फ्यूल इंडिकेटिंग माइलेज नहीं, फ्यूल इंडिकेटिंग जो मीटर होता है उसको मिसिंग है, क्योंकि ये होना चाहिए था। क्योंकि अगर आपके बाइक को कहीं पे ले जा रहे हो, आपका फ्यूल के कम हो बड़े अगर कम हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा ये फ्यूल मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो मेरे को एक डिसअपॉइंटेड लगा इसका ब्रांड फिल को, इसके लिए सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए क्योंकि फ्यूल मीटर एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी सारी की लगभग सारी की सारी बाइक में। तो यही सारी है और पिलियन। और तो मैंने जारी किया बोला, अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी, मैं मानता हूँ मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा नॉलेज गुरु जी चैनल को।